हेलो हेलो, यस सर। वॉइस क्लियर? जी सर। आज से क्लासेस शुरू हो गए ना फर्स्ट ईयर के? देखिए, लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था डिजिटल टू एनालॉग में आर टू आर लैडर टाइप। ठीक है, ये कुछ याद आ रहा होगा कि मैंने डिस्कस किया था और थेवेनिन थ्योरम से इसको रिड्यूस किया था। जी सर। ठीक, तो यहाँ पर आ चुके थे। ये लास्ट हमारा डायग्राम बना था। अब इसी से हम लोगों को क्या निकालना था? आउटपुट निकालना। ठीक, तो आउटपुट निकालने के लिए सिंपल था। अगर हम ऑपरेशन जानते हैं ओपैम का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस जगह पे जो वर्चुअल आउटपुट होगा, मतलब इनपुट होगा, वो क्या था? जीरो होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड है। तो वर्चुअल ग्राउंड के केस में अब देखिए कि हम यहाँ पर एक करंट होगी, आई नॉट कर लेते हैं, ये I1 एंड I2। ठीक, और ये करंट होगी हमारी IF। तो होना क्या चाहिए इस जगह पे? क्योंकि कोई भी करंट अंदर नहीं जाएगी, यहाँ पर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का सेम वोल्टेज है, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो अंदर करंट कोई जाएगी नहीं, तो जितनी भी करंट है वो ऊपर से इधर निकल आएगी। इट मीन्स IF इज इक्वल टू I0 प्लस I1 प्लस I2। IF को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जीरो माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। क्लियर? और उसके बाद हम लिखना चालू करें, VR बाय 2 raised to power 3 V0 माइनस जीरो, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2R प्लस VR डिवाइडेड बाय 2 raised to power 2 इंटू B1 माइनस 0 by 2R, देन अगेन ठीक। अब इसको हम, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो वी आर बाय 2 raised to power 3 इसको अगर हम कॉमन ले लें और साथ में आर को भी कॉमन ले लें और यहाँ पे टू को भी कॉमन ले लें, ठीक है। अब देखते हैं बाहर, यहाँ बचता है बी नॉट प्लस 2 B1 प्लस 4 B2, यहाँ पे माइनस V0 अपॉन RF। देन V0 इज इक्वल टू माइनस RF बाय 2R इंटू VR डिवाइड बाई 2/3 ठीक है। ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या होता है कि आउटपुट इज आउट ऑफ फेज, मतलब कितना 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद जो तुम्हारा इनपुट है। ठीक है, तो V0 इज इक्वल टू, अब यहां हम लिख सकते हैं ना कि गेन इनटू ये क्या हो गया, रेजोल्यूशन इनटू ये डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा,
जी सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आउटपुट। तो इतनी चीजें होंगी इसमें, और गेन को हम एडजस्ट कर सकते हैं आपका आर चूज करके, जो भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं इनको चूज करके हम लोग गेन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया टू आर एफ की वैल्यू 2R ले ली, तो गेन 1 हो जाएगा, तब रेजोल्यूशन और डेसिबल इक्विवेलेंट पर डिपेंड करने लगेगा। तो ये हमारे पास सहूलियत होती है। ठीक है, यस सर। तो आपका ये एक केस हो गया, ठीक, इन्वर्टिंग टाइप का। अब इसी में ही हमारा एक नॉन इन्वर्टिंग टाइप का भी आ जाता है। ठीक है, तो चीजें वैसे ही रहेंगी, मैं अभी डायग्राम बना देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिख सकते हैं हम 3-bit नॉन इन्वर्टिंग आर टू आर लैडर डीएसी। न्यूमेरिकल सारे हम अभी कराएंगे बाद में, स्पेसिफिकेशन बताने के बाद। ठीक, तो इन्वर्टिंग टाइप में अब देखिए, ये जितना भी सर्किट था, ठीक है, आपने कहाँ बनाया था, अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था तुम्हारा पॉजिटिव वाला, इसको तुमने ग्राउंड कर दिया था। यहाँ नेगेटिव वाले पॉइंट पे आपने ये वीसीसी सप्लाई दी थी, ये जो सप्लाई थी वो यहाँ पर आ रही थी। ठीक है, बट अब क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो सप्लाई हम लोग देंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल पर देंगे। ठीक, तो नोट करते जाइएगा। ठीक है, डायग्राम कुछ कुछ देखने से वैसे ही लग रहा होगा आपको भी। यस सर। माइनस प्लस और यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, ये हो गए आर एफ, ये आर, यहाँ पर आर वन कर दो, ये पूरा पूरा गेन अलग हो जाएगा। और ये हो जाएगा आर
टू आर अब यहाँ पर स्विचेस लग जाएंगे हमारे, एक जो लाइन आएगी वो तो वीसीसी वाली आएगी, ठीक, तो एक को हम लाइन को वीसीसी दे देते हैं, ठीक है। ये होगा आपका V रेफरेंस, V1 हमने कर दिया और ये हो गया V0, ठीक। बाकी यहाँ पर आप स्विच लगा सकते हैं जैसे पहले हम कर रहे थे। ये हो गया V0, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी होगी ये MSB होगी इधर की, और ये एल एस बी स्विच, ये जो स्विचेस होते हैं ना, ठीक। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि लगभग वैसा ही बन रहा होगा डायग्राम, बस चेंजेस कहाँ पे हैं। देखो यहाँ पर आपको आउटपुट निकाल, एक वोल्टेज निकालना है जैसे वहां भी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग का मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि नॉन इन्वर्टिंग के केस में क्या होता है, यहाँ जो भी वोल्टेज रहेगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि V डैश है, तो यहाँ पर V डैश ही कंसिडर होगा, ठीक है ना। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा इस जगह पे, जीरो माइनस V डैश बाय R1 इज इक्वल्स टू V डैश माइनस V नॉट अपॉन RF। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो V नॉट बाई आर एफ इज इक्वल्स टू, पूरे को उधर ले आते हैं, खुद भेज देते हैं, तो V डैश वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर एफ। तो V नॉट इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है आर एफ को उधर ले आते हैं, तो वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू V डैश। ये आपका कहीं ना कहीं आउटपुट वोल्टेज निकल के आता है, ठीक, जिसमें ये क्वांटिटी क्या हो गई, ये तो गेन हो गई, और ये जो इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, और इनपुट वोल्टेज यहां पर जनरेट होगा, ठीक। बट इसके पहले का जो इतना तीन ताम है वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो थेवेनिन थ्योरम से हमने निकाला था, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, अब हमारा जो आउटपुट आएगा V नॉट इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू V डैश, ठीक। V डैश हम यहां से देख सकते हैं, ये जो आपका आ रहा था इस जगह पे जो भी आएगा वोल्टेज, ठीक, देखिए यहां जीरो है, ठीक है। इस केस में क्या है, एक सॉरी, ऐसा ऐसा सर्किट बना सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर यहां तक जो आया था, ये वाला, ठीक, ये वाला अगर हम सर्किट बना सकते हैं यहां तक रिड्यूस होके आया था, तो एक लाइन जो हमारी आ रही थी वो ये आ रही थी पहली वाली, ठीक है। उसके बाद दूसरी हम एक एक करके कर रहे थे ना, पहले हमने क्या किया था, यहां पर इसको वन किया था, इसको जीरो जीरो किया था, फिर हमने इसको जीरो किया, इसको वन किया, इसको जीरो किया, लास्ट में हमने वन इसको किया था, इन दोनों को जीरो जीरो किया था, ठीक है। तो पहला हमने जब इसको वन किया था तो हमारा कितना आ रहा था,
ये वाली लाइन आ रही थी आखिरी में, वी आर बाय 2 raised to power 3, इतना वोल्टेज आ रहा था ठीक, और ये कॉम्बिनेशन 2R हो जा रहा था, तो ये हमारी एक लाइन आ जा रही थी। फिर हमने क्या किया था, दूसरी लाइन भी इसी तरह प्रिपेयर की थी 010 करके, फिर 001 करके ये हमने प्रिपेयर की थी ठीक है। तो इसी तरह हम अभी भी यहां भी बढ़ेंगे ठीक, तो ये चीज तो वही है अभी भी ठीक है। तो हम अगर यहां भी कर देंगे तभी ये जो वोल्टेज है वो इस पर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं ठीक है। तो इस जगह हमें वो चीज निकालनी होगी ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल आर टू आर आ जाएगा ठीक, और कई सारी ब्रांचेस आ जाएंगी, तो एक एक करके हम यहां पर निकालेंगे, तो हमारा लगभग आएगा वही कि V डैश इज इक्वल टू वी आर बाय 2 raised to power n, क्योंकि हम यहां पर तो वोल्टेज एक सप्लाई कर ही रहे ना, ये जो V वन है वो हमारा क्या है, वी आर है ना ठीक। तो इसके फॉर्मूले में ये हमारा वी आर भी हम लिख सकते हैं इसको। अब जो वी डैश निकल के आएगा वो कितना आएगा, तीनों से पहली ब्रांच से वी आर बाय 2 raised to power, जैसे 3 आ गया ठीक है। तो हम इसको अभी फाइनली यहाँ पर एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं, वी आर बाय 2 raised to power n ठीक, समेशन n माइनस 1 अपॉन i इज इक्वल टू 0 ठीक है, इंटू 2 raised to power i इंटू वी आई। ये हमारा ये वोल्टेज हो गया जो हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं ठीक, एंड उसके बाद हमारा इसे निकल जाएगा आउटपुट ठीक है। और ये क्या हो गया, ये डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया फॉर एन बिट ठीक है, और ये क्या हो गया रेजोल्यूशन एन बिट का। तो ओवरऑल आउटपुट आपका क्या आ गया, वी नॉट इज इक्वल टू वी डैश क्या है, वी डैश इनपुट वोल्टेज है इनटू गेन ठीक है, या आगे लिखना चाहे तो गेन इनटू रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। तो डिफरेंस कहां पे आया, डिफरेंस सिर्फ आपका गेन में आया है ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग की वजह से गेन इसका चेंज हो गया, वो क्या है 1+RF/R1, और इस गेन को हम चेंज कर करके इसकी क्वांटिटी जो भी आउटपुट वोल्टेज है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट हम कैनवस ले लेते हैं इसका। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका डी टू ए कन्वर्टर हो गया। अब नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं ए टू डी कन्वर्टर। ठीक, पहली क्लास में मैंने बताया था आपको कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हम क्या करते हैं उसको पहले पास करते हैं कहां से, ये ट्रांस ड्यूसर से। तो ट्रांस ड्यूसर से पास करने के बाद आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हाँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल ठीक, क्योंकि ट्रांसड्यूसर क्या करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर, एक फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर देता है ठीक है सिग्नल को। तो अब यहां के बाद ये क्योंकि एनालॉग आ गया, अब इसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसके बाद हम इसको पास करेंगे
एडीसी से, ए टू डी कन्वर्टर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो डेटा होगा वो 10110 इस तरह की फॉर्म में मिल जाएगा। इसको बोलते हैं डिजिटल डेटा। ठीक, इसका एक और फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे 10110 ये क्या होता है, डिजिटल सिग्नल। क्लियर, ए टू डी कन्वर्टर में क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होता है, तो पहले डेटा बनेगा, डेटा को हम लोग सिग्नल के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो यहां 10 का मतलब कुछ और नहीं है, 1 क्या है, 1 इज वीसीसी एंड 0 इज ग्राउंड। अगर आपका वोल्टेज लेवल वीसीसी के बराबर है तो उसको हम लोग बोल देते हैं लॉजिक 1, अगर ग्राउंड है तो लॉजिक 0। ठीक है, यस सर। चलिए, इतनी प्रोसेस आप समझ में आ गई होगी, आपने पहले पढ़ी भी होगी कई बार। ठीक, और इसका हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में या कहीं बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। अब एडीसी में होता क्या क्या है, तो ये हम देख लेते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में आपका पहला केस आता है सैंपलिंग का। ठीक, सैंपलिंग, देन मैं इसको पूरा बता रहा हूं, इसको एरो मत समझ लेना, ये वाला, पहला सैंपलिंग हो गया, सेकंड क्वांटाइजेशन, देन एनकोडिंग। तो पहला स्टेप आपका हो गया ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। इतने स्टेप आपको फॉलो करने के बाद जो भी सिग्नल मिलेगा वो डिजिटल सिग्नल मिलेगा। यही बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोग करते हैं, ठीक है, जनरली। क्लियर, अब एक एक करके प्रोसेस समझा दे रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं, आपने पढ़ी भी होंगी शायद। तो सबसे पहले हम लोग एक सिग्नल लेके चल रहे हैं, ठीक, इस तरह का सिग्नल है, ठीक, कोई भी, ये हो गया, ये वोल्टेज है या मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं, और ये एक्सेस हो गई टाइम की, इतनी सी समझ में आ रही है, ये जीरो, ये एनालॉग सिग्नल है व्हाइट कलर से। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, इसको, इसकी सैंपलिंग करनी पड़ती है। तो सैंपलिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये सिग्नल हमारा चल रहा है ना, जैसे बॉटल हमने भरते हैं ना, या फिर कोई भी चीज हमारी चल रही है उसको हम काटते रहते हैं लगातार। ठीक, तो इसमें इसमें एक रेगुलर इंटरवल पे सैंपल्स प्रोवाइड करने का काम का हो रहा है, मतलब सैंपल्स से हम लोग एक पल्स ट्रेन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये पल्स ट्रेन हो गई, रेगुलर इंटरवल पे हम लोग पल्स ट्रेन को यूज कर रहे हैं, और ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई होती है इससे। ठीक है, तो एक इनपुट आपका होता है किसी भी, मान लो ये डिवाइस है, ठीक, इस डिवाइस में एक डेटा तो क्या रहा है, ये एनालॉग, और एक क्या रहा है, ये पल्स ट्रेन, और ये सपोज मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, सैंपल्ड सिग्नल। ठीक है, तो ये रेगुलर इंटरवल पे है, और ये जो क्लॉक, इसको हम लोग एक तरह से क्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लॉक में भी हम लोग यही प्रोवाइड करते हैं। और ये जो इंटरवल्स होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, डेल्टा टी हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम सैंपल को डिस, हाँ बोलो,
सी जो डिस्क्रीट इन टाइम और हाँ हाँ कंटिन्यूअस इन वही कहते हैं, एम्पलीट्यूड होता है, यही होता है। अच्छा वही बताने जा रहा हूँ। तो सैम्पलिंग प्रोसेस में आपका क्या करते हैं कि सिग्नल को क्या बनाते हैं हम लोग, टाइम डिस्क्रीट बनाते हैं। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ रेगुलर इंटरवल्स ले लिए, जैसे ये हो गया, ये रेगुलर इंटरवल्स पे हमने यहाँ पर बना लिया, क्योंकि हम यहाँ पर ही पल्स ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे कि इस पे हमने अगर पल्स प्रोवाइड की तो ये मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे होगा तो ये करता है इस जगह पे, फिर ये हो गया, ठीक है। तो आपको ये कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, जब हम लोग किसी भी चीज़ को काटते हैं तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, एक इस जगह पे ये एक सैंपल मिल गई, थोड़ा शिफ्ट हो जा रहा है तो उसके लिए सोचिएगा मत ज़्यादा। ये रेगुलर इंटरवल्स पे ही है, आप लोग बस इतना समझिएगा। ठीक है, तो यस अब हम रबर से ये मिटा देते हैं थोड़ा, ये जो रेगुलर है ना ये हटा देते हैं, क्योंकि सिर्फ सैंपल ही नहीं करता है, इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब इस सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, ये क्या होता है, टाइम डिस्क्रीट। ठीक है, तो सैम्पलिंग आपको क्या देता है, सैम्पलिंग में आपको जो सिग्नल मिलता है वो होता है टाइम डिस्क्रीट। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता भी है कई बार, भाई पूछा था कि सैम्पलिंग करने के बाद क्या होता है, या फिर टाइम डिस्क्रीट और एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, डिजिटल डेटा और ये टाइम एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट डेटा में दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारी, सैम्पलिंग वो क्वांटाइजेशन की, तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ स्टेप ले लेते हैं, वो भी बता रहा हूँ कैसे होता है। ठीक, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज पूरा एक रेंज है, कहां से कहां तक है, QP से लेके एक पीक से लेके -QP तक, ये एक जनरल फॉर्म बता रहा हूं मैं, QP से -QP तक ये इस पूरा डेटा की रेंज है। ठीक है, हमारे इस पूरी यहाँ पे अभी मैंने क्योंकि एक ही तरफ बनाया हुआ है, दूसरी तरफ बनाया नहीं हुआ है नीचे, तो यहाँ पर भी इसी तरह सब ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक रेंज हो जाती है, यहां से लेके ये सपोज QP है और यहाँ -QP है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल ADC के केस में हम लोग एक रेंज देखते हैं, तो ये होता है टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, 2QP डिवाइडेड बाय जितने लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये होता है स्टेप साइज, समझ गए,
ये है, ये स्टेप साइज हो गए, इतना डिफरेंस होता है एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में। और ये जो स्टेप साइज है ये डिपेंड किस पे करता है, क्योंकि मैंने बोला 2QP/L, तो L क्या होता है, L टोटल लेवल्स होते हैं, और ये लेवल किस पे डिपेंड करता है, 2^2 नंबर ऑफ बिट्स, आप N इक्वल्स लिख देते हैं नंबर ऑफ बिट्स। ये चीज समझ में आई कि जो भी टोटल लेवल्स हैं वो कितने हैं, 2^n, मतलब अगर हम 3 बिट्स यूज कर रहे हैं तो हम 8 लेवल्स अचीव कर सकते हैं, 4 बिट यूज कर रहे हैं तो हम 16 और 5 तो 32। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हमारे क्या होगा, जैसे सपोज ये छोटा सा हम एक केस ले ले रहे हैं, 1, 2, 3 अभी क्या हुआ, हमने ब्रेक किया किसमें, 1, 2, 3, 4 ठीक। फिर अगर हमें और बिट्स बढ़ा देंगे तो हम इसी में और ज्यादा लेवल बना सकते हैं ठीक, और कर देंगे तो और बढ़ा लेते हैं। जैसे आपने टीवी देखा होगा या कोई भी इमेज देखी होगी, जैसे पिक्सल्स हम बढ़ाते जाते हैं वैसे क्लैरिटी बढ़ती जाती है ठीक है। वो रिजोल्यूशन बताते हैं ना कि इसका रिजोल्यूशन कितना है, तो रिजोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं हम, रिजोल्यूशन का मतलब होता है उसका स्टेप जो साइज है वो कम करते चले जा रहे हैं ठीक है। तो बहुत माइन्यूटली हम क्योंकि होता क्या, इन लेवल का काम क्या होता है वो बता रहा हूँ कि इसमें अप्रोक्सीमेट करते हैं हम लोग। जैसे कि ये वाली सैंपल है पहली वाली, तो ये यहाँ पे है, सपोज यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये वाली सी सैंपल आई है। अब ये 2 और 3 दोनों के बीच में है ठीक है ना, ये 2 है और ये 3 है, दोनों के बीच में है ये सैंपल ठीक। तो अब हमें क्या करना होगा, या तो वो 2 पर जाएगा या तो वो 3 पे जाएगा। तो जिसकी तरफ ज्यादा होगा, जैसे 2.6 अगर हो गया तो 2.6 हो गया तो हम लोग उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 3, क्लियर। जैसे उसी तरह ये है, ये यहां पे कहीं है 3.9 था तो इसको हम लोग 3.9 की जगह हम 4 कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं टू द नियरेस्ट वोल्टेज लेवल ठीक। ये चीज समझ में आई कि हम जो नजदीकी जो लेवल है उसका, उसके अब जैसे यहां पर हमने बताया था ये सपोज 2.6 था तो 2.6 को हमने 3 लिख दिया ठीक है। ये जो सबसे ऊपर वाला जो मैग्नीट्यूड होता है ना, हम लोग क्या सैंपलिंग में क्या करते हैं, टाइम डिस्क्रीट करते हैं, लेकिन हमें वो सैंपल मिल जाती है और उसका मैग्नीट्यूड हम देख लेते हैं ऊपर। अब उसी मैग्नीट्यूड को हमें क्या करना पड़ता है, लेवल्स के अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे है ये लेवल ठीक है, ये सपोज आ रहा है 6.1 ठीक है, तो इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं 6 लेवल ठीक है, क्योंकि जो हमने कोडिंग की हुई है वो हमने इन्हीं लेवल्स के करस्पॉन्डिंग की हुई है। अब जैसे क्या होता है कि ये हम बढ़ा देते हैं, अगर नंबर ऑफ बिट बढ़ा देंगे तो हमारे लेवल भी इंक्रीज कर जाएंगे, लेवल इंक्रीज कर जाएंगे तो इन्हीं दो रेंज के बीच में क्यूपी और माइनस क्यूपी के बीच में हमें और लेवल मिलने लगेंगे और पास के मैग्नीट्यूड मिलने लगेंगे। जैसे हमने यहां बनाया था कि अभी हमें क्या मिल रहा है, 1, 2, 3, 4 लेकिन मैंने बढ़ा दिया तो 1, 2, 3 और बढ़ गए ठीक है, फिर यहाँ और बढ़ गए तो अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें ज्यादा वैल्यू मिल गई ना। अब हम 2 और 3 पे ना करके हम 2.5 पे कर सकते हैं, और बढ़ा देंगे हम 2.2 पे भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही है ठीक है। जितना अब एग्जैक्ट वैल्यू जैसे 2.6 है, इसमें और 3 में कितना सारा डिफरेंस आ गया था ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा भी यहाँ वैल्यू ऐसा लेवल मिलता 2.6 का, तो हम क्या कर सकते थे, 2.6 आराम से साइन कर देते और उसके लिए कोड लिख देते, क्लियर। तो बेसिकली हम लोग क्या कर क्या रहे हैं, ये लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं अपने सिग्नल को ठीक है। तो यहाँ जैसे ये जो वैल्यू है उसको मैंने 3 मान लिया, यहाँ पर है इसको 4 मान लिया,
ये है 6 मान लिया, ठीक है, और ये है, ये भी 7 की तरफ ज्यादा है तो इसको 7 मान लेते हैं, ये भी 7 है, ये भी, ये सपोज 6 की तरफ ज्यादा है, 6 मान लिया, ये 6 हो गई, ये 5 हो गई, ये 4 हो गई, इस तरह से हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। ये क्वांटाइजेशन हुई, क्वांटाइजेशन में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड डिस्क्रीट कर दे रहे हैं। अब जो हमें वैल्यूज मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से मिल रही हैं, यहां हो गई, यहां हो गई, ये, ठीक है, तो ये टाइम एंड एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट सिग्नल हमें मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो लेवल्स थे, अब जैसे जीरो, ये वन के लिए हमने 0 0 1 कर दिया, या 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0, 0 0 1 1, 0 1 0 0, 0 1 0 1, इस तरह हम लोग कर सकते हैं ना, असाइन कर सकते हैं वैल्यूज। यस सर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये जैसे हमारे पास क्या था, जो भी रहा हो 2 था, तो हमने 2 को प्रोवाइड कर दिया 0 0 1 0, तो ये हमारी एनकोडिंग की प्रोसेस हो गई कि हम जो भी अप्रोक्सीमेटेड मैग्नीट्यूड्स हैं उनके लिए हम कोई भी एक कोड लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जितने भी अप्रोक्सीमेशन के लिए जो लेवल्स लिए थे सबको हमने एक डेटा प्रोवाइड कर दिया, डिजिटल डेटा, और जब अप्रोक्सीमेट किया तो मैग्नीट्यूड